हमारे सूबे में कोई भी दिल की बीमारी के लिहाज से कोई अस्पताल नहीं मौजूद था इससे पहले। ख़ास तौर पर हमारे सूबे में दिल की बीमारियों का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस अस्पताल के होने की ज़रूरत तो मौजूद थी। हमें वज़ीर आला साहब और वज़ीर सेहत साहब की बहुत मेहरबानी और बहुत कावश के साथ तकरीबन 3.75 अरब रुपये दिए गए, जिससे हमने ह्यूमन रिसोर्स को हायर किया और उसके साथ हमने जो इक्विपमेंट की परचेजेस करनी थी वो हमने सारी की। दिसंबर में इमरान खान साहब ने लास्ट ईयर इसका इफ्तिताह किया और उसी वक्त तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर हमने पहली ओपन हार्ट सर्जरी की। काफ़ी हमने तेज़ी से काम किया। अब तो ये कि अस्पताल तकरीबन फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। जो हैं ऑपरेशन रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं और 6 ही कैथ लैब्स हैं। 290 बेड्स हैं जिसमें तकरीबन हम लोग 200 बेड जो हैं अब ओपन हो चुके हैं, जिसमें 55 बेड्स जो हैं वो क्रिटिकल केयर के हैं, जिसमें सर्जिकल आईसीयूज़ हैं, सीसीयूज़ हैं, ईआर में सीसीयू है। तो इंतहाई निगहदाश्त के जो बेड्स हैं वो तकरीबन 55 हैं इस वक्त। कुछ ऐसी पेचीदा केसेस होती हैं जो हर जगह पे नहीं हो सकती। उसके लिए एक तो हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए एक्सपर्टीज़ या जो महारत है वो यहाँ पे मुहैया है। उसमें जो है हम उनको साइंसी टर्म्स में जो है तो वो कहते हैं कि IOS हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास जो है तो प्रेशर वायर FFR की ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हमारे पास जो है तो रोटाब्लेशन की ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ जिनको हम कहते हैं उसके लिए हम PTMC यहाँ पे करते हैं। हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि अभी हमारा 18वीं प्रोग्राम शुरू होगा जो पाकिस्तान में सिर्फ 2 और जगहों पर अवेलेबल है। विदाउट ओपनिंग द चेस्ट वेल्व बदलने का ऑपरेशन तकरीबन हम लोग तैयार हैं। वो उसको TAVI कहते हैं। जैसे ही पेशेंट आता है हमारे पास सामान वगैरह पूरा है तो वो शुरू करने वाले हैं हम लोग। जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हमने हार्ट फेलियर सर्जरी वगैरह शुरू कर देनी है, जिसमें एक प्रोग्राम होता है जिसको ECMO कहते हैं। तो वो ECMO का ऑलरेडी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इसमें हम लोग रेगुलरली बीटिंग हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें हम हार्ट को मशीन पे नहीं लगाते हैं, हार्ट चलता रहता है और उसके ऊपर हम नई रगे लगा लेते हैं। यहाँ इस वक्त हम पीडियाट्रिक पेशेंट्स में 4 से 5 किलो तक के बच्चों का इलाज करने के काबिल हो गए हैं ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें उमूमन जो सबसे कॉमन एक पब्लिक को समझ आती है कि दिल के अंदर सुराख था बच्चे का। इतने छोटे बच्चों के और डेडिकेटेड एक टीम जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के दिल के पैदाइशी अमराज की केयर करती है, वो KPK में सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टीट्यूट है। एसेंशियल जो भी मशीन, जो भी इक्विपमेंट जो कि सेफली बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में यूज़ हो रही है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हार्डवेयर की सपोर्ट मौजूद है वो ऑलमोस्ट इतनी अच्छी है जितनी NICVT में मैं यूज़ कर रहा था। बच्चों की सर्जरी के रिजल्ट्स हैं, दे आर एज गुड एज एनीवेयर। हमारी मोर्टेलिटी में भी लेस देन 5% है। जो हमारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के डिवाइस क्लोजर्स वगैरह हैं वो तो हमारे रिजल्ट्स आर एज गुड एज एनीवेयर इन पाकिस्तान, सिमिलरली सर्जिकल रिजल्ट्स। और
हमारे पास वैसे फैकल्टी मौजूद है जो कि हाईली स्किल्ड है, और वो जो भी हमारी कार्डिक सर्जरी के लिहाज से जो भी बड़े रेयर केसेस हैं वो भी वो जानते हैं, कर चुके हैं और कर रहे हैं। अब इन मरीज़ों में अगर कोई और बीमारी निकल आए या कोई और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं तो उसको भी हम कवर कर सकें। उसके लिए हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट्स हैं अपनी फील्ड के, और फिजियोथेरेपी जो है तो वो हमारे पास जो लोग हैं वो हाईली स्किल्ड हैं, और हमने वन ऑफ द बेस्ट जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं और जो लेब्स हैं हमारे पास वो हमने बनाई हुई हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। उसमें हमारे तमाम इक्विपमेंट हमने रखा हुआ है, और जो भी कार्डियोलॉजी कार्डिक सर्जरी के बाद जो भी मरीज होते हैं तो उनकी जितनी रिहेबिलिटेशन होती है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस अस्पताल में करते हैं। तो 7-8 महीने में हमने तकरीबन 700 से ज़्यादा ओपन हार्ट्स कर लिए हैं, और हमारे जो कैथ लैब के प्रोसीजर्स हैं वो तकरीबन 3,500 तक पहुँच गए। इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट, और इसके साथ फिर पीडियाट्रिक केसेस भी आप डाल लें तो और things are going to just go better and better inshallah. Hamara hospital kyunki hamari jo cardiac diseases hain wo tamam sehat card mein covered hain, chunanche is wajah se hamare jo 99% hamare yahan pe cardiac procedures ho rahe hain aur cardiac surgery ke jo procedures ho rahe hain wo tamam ke tamam jo hain wo sehat card ke andar covered hain विदाउट एनी पेनी। सेहत कार्ड की सहूलत जो है ना वो बहुत अच्छी सहूलत है गरीबों के लिए खासकर, वरना इतना पैसा लगा के बेटा कौन करता है इलाज। तो जो जिसने भी किया अल्लाह उसका भी भला करे, और जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह उसका भी भला करे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं गाँव के जो बेचारे उनकी एक वक्त की दिहाड़ी की रोटी भी पूरी नहीं कर सकते, वो भी बेचारे आए हुए हैं सेहत कार्ड पर काम करवा रहे हैं और बड़ा अच्छे तरीके से उनका भी काम हुआ है। हम जब आए थे तो हमारे गांव का एक बहुत ही गरीब आदमी था ना, उनके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं थे ना कि वो बाईपास का ऑपरेशन करें, उन्होंने भी यहाँ से किया है, हमने सुना वो बहुत ही अच्छा है, अभी यानी इसका इलाज हो गया है, और हमने भी वहाँ से सुना था कि ये अस्पताल में इलाज अच्छा होता है इसलिए हम आए यहाँ पे। ये एक गेम चेंजर है, मैं कहता हूँ ये, मैंने तो बाहर का पूरी उम्र काम किया हुआ है, ऐसा इंश्योरेंस स्कीम मैंने नहीं देखी है बाहर कि आपके एक गरीब आदमी जो बेचारा है उनके बच्चों के सवाल ही नहीं होते थे कि ऑपरेशन पहले करा सके यहाँ या बाहर, क्योंकि वो फाइनेंसिस ही नहीं थे उनके पास। अब इनके पास तमाम बच्चों के फाइनेंसिस मौजूद है। پیدائش نه یو مشهور ستال ته تکلیف ډاکټرانو چې کوم هغه ورته وکړه دا د زړه تکلیف لري وای، نو بیا چې موږ ډېر تګ راته وکړو نو بیا موږ باندې لږ مشکلات راغله د لارو د بارډرو، نو بیا په یو څه تکلیف باندې او څه سیستم باندې ځان پاکستان ته داخل کړ، ډایرک موږ ته راهنمایي شو د پی آی سی هسپتال ته ویسې چې هلته لایق ډاکټران دي او انشاءالله تدایو به صحیح وشي، خو زموږ ماشوم انشاءالله عملیات په خیر سره وسو او الحمدلله اوس حالت نرمال ده. د افغان مریضانو لپاره د خصوصا پی آی سی هسپتال تل ډېر امپورټنت ده، باید ټول افغان مهاجرین دلته راشي. پورا افغانستان جو ہے وہ ڈرین کرتا ہے ہمارے پشاور کی طرف، بارڈرز وغیرہ کے اندر جب پرابلم ہوئے تو یہ لوگ کافی انڈیا جانا شروع ہو گئے، بٹ ہماری جو کاسٹ ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں بہت کم تھی، پھر لینگویج کا پرابلم نہیں تھا یا کھانے پینے کا، یو نو بڑے افغان نہیں پسند کرتے تھے کہ بلڈ ٹرانسفیوژنز وغیرہ ان لوگوں کے لیے کرائی جائیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ریلیجن والے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ افغانستان انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سینٹرل ایشیا سے بھی ہمیں ایکسپیکٹیشن ہے۔ अस्पताल शुरू हुआ है उसके 5 महीने के अंदर अंदर कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी करते हैं और उधर डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने जो हमने 4 स्पेशलिटीज़ मांगी थी चारों को रिकग्नाइज कर दिया, जिसमें एडल्ट कार्डिक सर्जरी थी, एडल्ट कार्डियोलॉजी थी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी थी और कार्डिक एनेस्थीजिया, ये चारों को विद इन 5 मंथ्स
ये मुझे बताया गया कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड. आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कोई अस्पताल एक साल के अंदर अंदर, तो छोड़ो 5 महीने के अंदर अंदर रिकग्नाइज हो गया. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. जो पेशेंट रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसके लिए हमें हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं शुक्र खानम हॉस्पिटल के, कि उन्होंने हमें अपना सॉफ्टवेयर जो उनका है वो फ्री ऑफ चार्ज हमें दिया है, और हमें फ्री ऑफ चार्ज हमें वो ट्रेनिंग, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग भी कर रहे हैं. हम मॉनिटर करते हैं फूड क्वालिटी जितनी भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन यहाँ पे मौजूद हैं. हमारा नेक्स्ट गोल है वो रिसर्च में है, कि हम एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए इस इदारे को. और इसके अलावा हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा गोल है कि हम इसको पहला पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, जो कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरे. हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानीज हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, तो दे ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इन रिसर्च. तो हमारे ऑलरेडी एक AFIC के साथ प्रोजेक्ट चल रहा है, दो हमारे KMU के साथ चल रहे हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो आई थिंक विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट कि हमारे तमाम रिसर्च एक्टिविटीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. मैं इस हॉस्पिटल के खुलने का इंतजार कर रहा था, बिकॉज हमारे यहाँ KPK में इस सर्विस की सीरियस कमी है. यहाँ बच्चों की जो दिल की सर्जरी या पैदाइशी दिल के नकायस का इलाज, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हार्ट एंड लंग फेलियर से रिलेटेड जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं, ये सारी सर्विसेज मुयस्सर की जाए. हमें पता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह का काम हो सकता है, हम अपने मरीजों को जो है तो वो सहूलियात किस तरह फराहम कर सकते हैं. तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह आने वाले महीनों में और सालों में ये अस्पताल जो है किसी भी आलमी सतह के अस्पताल से कम नहीं होगा. कमिंग दिसंबर है इंशाल्लाह हम ISO एक्रेडिटेड हो जाएंगे, हमें सर्टिफिकेशन मिल जाएगी ISO की. जब बच्ची को मुझे पता चला कि बच्ची जो है ना वो कार्डिक पेशेंट है, और तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शी विल सर्वाइव टू मोर, लेकिन अल्लाह के फजल से और डॉक्टरों की अंतक मेहनत से और इनके ऑपरेशंस की वजह से बच्ची सर्वाइव भी कर रही है और अच्छा रिस्पांस आ रहा है. और बच्ची जो है ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फील कर रही है. मैं यहाँ पे अपने आप को अजनबी महसूस ही नहीं करता, जस्ट लाइक अ फैमिली मेम्बर. तो जहाँ पे जो भी डॉक्टर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे वो स्टाफ है, वो सब मुझे इस तरह ट्रीट करें जैसे मैं इसका इनके फैमिली मेम्बर हूँ. इंतज़ामिया को मैं यही कहूँगी कि उन्होंने ये जो ये सदका जारिया किया है उन्होंने, तो ये बहुत अच्छा किया है. मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ की बहुत दुआ देती हूँ, अल्लाह उनका भला करे. यहाँ पे डॉक्टर थे वो बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टिव हैं, स्टाफ का भी बहुत, मतलब कि जो सिक्योरिटी यहाँ पे है वो बेस्ट सिक्योरिटी है, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सिक्योरिटी की वो यहाँ पे 100% है. फाइव ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसमें हमने PIC की सैटेलाइट यूनिट्स, अपने नेक्स्ट सेंटर जो खोलना है वो एबटाबाद है, उसके बाद स्वात और फिर मर्दान. ये हमारे 4 जगह हैं जिसके हम लोग नेक्स्ट 2 to 3 years में ये होगा. ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो अब जो पाकिस्तान में कराची में या लाहौर में होता था वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, और बेहतर रिजल्ट्स होंगे उनसे कम नहीं है. आप प्लीज़ आएँ यहाँ पे, हमारी तमाम फैसिलिटीज़ आपकी, हम सब लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और हम सब जो हैं यहाँ पे जो काम करते हैं वो मरीज़ की खिदमत के लिए काम करते हैं. हमारी खिदमत को देखें, अगर आपको कोई भी उसमें कुछ खामी नज़र आती है तो हमें बताएं, ताकि हम उसको अच्छा से अच्छा बनाएं और आपकी खिदमत अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें.